أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي عليكم سنوات خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيهم الرويبضة قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की कामयाबी और कामरानी के लिए जिस रास्ते का इंतखाब फरमाया है उसे कुरान मजीद में सिरात मुस्तकीम का नाम दिया है। फरमाया व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, और यकीनन मेरा ये रास्ता सीधा है बस तुम इसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल, और इसके अलावा दीगर रास्तों की पैरवी मत करो। फतफर्रक बिकुम अन सबीली, ये दूसरे रास्ते तुम्हें सिरात मुस्तकीम से फेर देंगे, हटा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने वाला बना के भेजा। फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ नबी आप भी लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ राह दिखाते हैं, रहनुमाई करते हैं। और हम हर नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं: इहदिना, ऐ अल्लाह हमें दिखा, अस्सरात अलमुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा, सीधी राह पे चला। सीधा रास्ता किन लोगों का है? फरमाया अनअमता अलैहिम, अल्लाह जिन पर तेरा इनाम हुआ, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अंबियाए किराम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन का रास्ता। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये इनाम याफ्ता लोग ना तो इन पे तेरा गज़ब हुआ और ना ही ये गुमराह है। कि जिन लोगों पे अल्लाह का गज़ब हो, जो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो जाएं, जो कौमें, जो अफराद, जो मुआशरे अल्लाह के गज़ब का शिकार होते हैं, वो फिर सिरात मुस्तकीम के ऊपर नहीं होते। जो भटक जाते हैं, ज़ालीन की सफ़ों में शामिल हो जाते हैं, वो सिरात मुस्तकीम पे गामजन नहीं रहते। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वैसे तो हर वो इंसान जो जानते बूझते हुए, इल्म रखते हुए, सूझबूझ, समझ और दानिश रखते हुए अल्लाह के बताए हुए तरीके से इन्हराफ करे, हट जाए, अंबिया का रास्ता तर्क कर दे, वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर एक कौम के बारे में फरमाया कि अल-यहूद मग़दूब अलैहिम, ये जो यहूद हैं, अहले किताब के दो बड़े गिरोह हैं। एक गिरोह को यहूद कहा जाता है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अहले किताब के नाम से भी मौसूम किया है और यहूद के नाम से भी मौसूम किया है। मग़ज़ूब अलैहिम, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए। ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम, इन पर अल्लाह का गज़ब और उनकी लानत बरसी। एक मकाम पे फरमाया वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, ये अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। एक जगह फरमाया वबाउ बिग़ज़बिन अला गज़ब, ये अल्लाह के दोहरे गज़ब का शिकार हुए। एक तो इन्होंने अपने अंबिया, बनी इसराइल में आने वाले अंबिया किराम, उनकी तालीमात से इन्हिराफ किया, और दूसरा जब आखिर ज़मान नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप पर भी ये लोग ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह के दौरे गज़ब का शिकार हुए। और ज़ालिम कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि ज़ालिम अन्नसारा, ये जो नसारा है, नसरानी, ये वलद्दालीन के मिस्दाक हैं। ये मेहनत तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनके पास इल्म नहीं, इन्हें सीधे रास्ते की मार्फत और पहचान नहीं, लगे हुए हैं अपने गिरजाओं के अंदर, अपने इबादत खानों में। कोई राहिब बना हुआ है, कोई नन बनी हुई है। इन लोगों ने अपनी सारी जिंदगियां मिशनरी मकासद के लिए वक्फ की हुई हैं, लेकिन ये लोग सिरात मुस्तकीम पर नहीं हैं। ये ज़ालिन हैं, गुमराह हैं, इनके पास इल्म नहीं, अमल है। और मग़ज़ूब अलैहिम अफराद, उनके पास इल्म तो है, तौरात को भी जानते हैं, ज़बूर को भी जानते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि जिन लोगों को हमने किताब दी, वो इस कुरान की सदाकत को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को ऐसे पहचानते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को पहचानता होता है कि ये मेरा बेटा है। इतना इनको पक्का यकीन है, ऐसे इनको पहचान है, इल्म सारा है, पता सारा है, लेकिन अमल नहीं। तो मालूम हुआ, इंसान अगर जान ले, इल्म हासिल कर ले, और इल्म हासिल करने के बावजूद उस पर अमल ना करे, तो ऐसे इंसान पे, ऐसे अफराद पे, ऐसी कौमों और मुआशरों पे अल्लाह का गज़ब टूटता है। और अगर बंदा जाने बगैर, समझे बगैर अमल शुरू कर दे और ये ना देखे कि जो अमल मैं कर रहा हूं यह अमल मुझे सिरात मुस्तकीम की तरफ लेकर जा रहा है, मुझे जन्नत की तरफ लेकर जा रहा है। मेरा ये अमल अल्लाह की किताब कुरान मजीद और आखिर नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत के मुताबिक है। ये ना देखे बस लगा रहे, सारी दुनिया कर रही है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, ट्रेंड बना हुआ है, एक रस्म बन गई है, एक रवाज बन गया है, हमारे अब्बाओ अजदाद करते आए, हमने अपने वजदना अलैहि आबाना, अपने आबाओ अजदाद को, अपने बुजुर्गों को ये काम करते हुए देखा, इसलिए हम कर रहे हैं। इस तरह की दलीलें और इस तरह की हुज्जतें पेश करे, लेकिन अपने अमल की बुनियाद में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पेश ना करे। ऐसे लोग फिर किस गुरूह में शामिल हो जाते हैं जी? वलद्दालीन। मालूम हुआ सिरात मुस्तकीम के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, इल्म नाफे और अमल सालेह। आपके पास इल्म भी हो, और इल्म कौन सा? इल्म नाफे, नफा देने वाला इल्म, वही पर मबनी इल्म, किताबों सुन्नत पर मबनी इल्म। और इल्म के बाद सिरात मुस्तकीम पे चलने के लिए दूसरी चीज अमल सालेह, जिसकी बुनियाद अकीदा, तौहीद, इखलास और इत्तिबाए सुन्नत के ऊपर रखी जाए, तो ऐसा अमल अमल साले बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो बनेगा सिराते मुस्तकीम, इल्म नाफे और अमल सालेह। जिस तरह इस्लाम हमें अमल के ज़ाब्ते सिखाता है, हमें इबादात सिखाता है, मुआमलात, एक एक चीज दीन इस्लाम में हमें बड़ी बारीकी से मिलती है। यहां तक के रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन युकर्रिबुकुम मिनल जन्ना व युबाइदुकुम मिनन नार, कि तुम्हें जन्नत के करीब करने वाली और जहन्नम से दूर करने वाली कोई ऐसी चीज बाकी नहीं बची, इल्ला वक़द बय्यन्तुहु लकुम, जो मैंने तुम्हारे सामने वाज़े न कर दी हो, बयान न कर दी हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ल शै हत्ता अल-खिरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ सिखा दी, कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी, हत्तल खिरा, यहाँ तक के क़ज़ाए हाजत के आदाब, इंसान की प्राइवेसी, प्राइवेट ज़िंदगी का मामला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी नहीं छोड़ा, वो भी सिखा दिया। पीछे बाकी क्या रह गया? तो जिस तरह इस्लाम ने अमल के ज़ाब्ते, अमल की बुनियादें हमें सिखाई हैं, इसी तरह इस्लाम ने हमें इल्म के आदाब, इल्म के हुसूल का मनहज और इल्म कैसे हासिल करना है और किन से हासिल करना है, इसके बारे में भी मोहतरम भाइयों बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी, फितने, आजमाइशें, इब्तिलाआत बढ़ते चले जाएंगे, उन फितनों में, उन आजमाइशों में से एक आजमाइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कब्ज़ुल इल्म, इल्म का कब्ज हो जाना, इल्म का उठ जाना। मिन अशरात अस्साअ अन युक़बज़ल इल्म अन युरफ़अल इल्म व यफ़शुल जहल। इल्म कब्ज कर लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से किताबें खत्म हो जाएंगी, छापे खाने बंद हो जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, पढ़ने पढ़ाने वाले इदारे नहीं रहेंगे। फरमाया सब कुछ होगा, कलमें भी होंगी, प्रेस भी होंगे, लिखने वाले भी होंगे। बल्कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन अशरात अस्साअति ज़ुहूरुल कलम। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि कलम जाहिर हो जाएगा। लोग लिखने लिखाने वाला काम बहुत ज्यादा शुरू कर देंगे, तालीफात की भरमार हो जाएगी, लाइब्रेरियों और मार्केटों में, मकतबों पे किताबों की कमी नहीं होगी, किताबों पे किताबें आ रही हैं। हर दिन न जाने कितनी सैकड़ों हजारों किताबें नई वो दुनिया में आ जाती हैं। किताबें खत्म नहीं होंगी, कुरान नहीं उठाया जाएगा। सिहासित्ता, मुस्नद अहमद, सुनन दारमी, मुत्ता इमाम मालिक, हदीस की किताबें मौजूद रहेंगी। इल्म कैसे उठेगा? सही बुखारी की एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िअहु मिनल इबाद। इल्म ऐसे नहीं उठेगा कि अल्लाह अचानक यकायक इंसानों के सीने से इल्म छीन लेगा या दुनिया से किताबें नापेद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फरमाया नहीं, वलाकिन यक़ब्ज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। इल्म उठेगा जब रासिखून फिल इल्म उलमा उठ जाएंगे, किबार अहले इल्म दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म उठना शुरू हो जाएगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमा, यहां तक के मामला इधर तक आ जाएगा कि इलाकों में, शहरों में, बस्तियों में, देहातों में कई दफे ऐसा भी होगा कि कोई आलिम बाकी नहीं बचेगा। फिर क्या होगा? इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार, अपना रहनुमा, अपना पेशवा बना लेंगे। फसुइलू, उनसे पूछा जाएगा, उनसे मसाइल दरियाफ्त किए जाएंगे। फ़अफ़्तऊ बग़ैर इल्म, क्योंकि वो जाहिल होंगे। बसीरत के साथ दीन का इल्म, रुसूख के साथ दीन का इल्म उन्होंने नहीं हासिल किया, मसनद इल्म पर बराजमान हो गए, बैठ गए, कुर्सी हासिल कर ली, मिंबर के वारिस बन गए, स्टेज मिल गया। अब क्या है? फ़अफ़्तऊ बग़ैर इल्म, वो लोगों को फतवे तो देंगे, ये नहीं कहेंगे हमें नहीं आता, हम नहीं बता सकते। अफ्तऊ बताएंगे, फतवे देंगे, लेकिन बगैर इल्म इल्म नहीं होगा पास। नतीजा क्या निकलेगा? फदल्लू व अदल्लू। उधर क्या था? वलज़ालीन, अपने अमल की बुनियाद अगर इल्म नाफे के ऊपर नहीं होगी तो फिर किधर जाएंगे? वला जालिम की सफ़ों में। यहां क्या फरमाया? फज़ल्लू व अज़ल्लू। ये कुरान की उसी आयत की मजीद वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हो रही है कि ऐसे लोग खुद भी गुमराह होंगे क्योंकि फतवा दे रहे हैं लेकिन इलम नहीं, दीन का मसला बता रहे हैं लेकिन पता नहीं, गलत बता रहे हैं। व अज़ल्लू, और ये नहीं कि जो पीछे चल रहे हैं वो बच जाएंगे, उनको भी गुमराह करेंगे। गलती उनकी भी है, उसूर वार वो भी है, गुनाहगार वो भी हैं। तो मोहतरम भाइयों, मामला बड़ा खतरनाक है। आज कैफियत कुछ ऐसी ही है कि हर बंदा इमामा और दस्तार पहने मिंबरों मेहराब पे बराजमान है, और रही सही कसर ये इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है। अगर किसी को किसी स्टेज पे आने का मौका ना मिले तो वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लेता है और दो चार लोगों की महफिल जोड़कर लोगों को दीन सिखाने लग जाता है। तो ये बात बड़ी हसास है, बड़ी समझने की है कि इल्म नाफे हमने कैसे हासिल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी फदल्लू व अदल्लू का मिस्ताक बनकर वलज़ालीन की सफ़ों में शामिल ना हो जाए। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और सिराते मुस्तकीम बनता है इल्म नाफे और अमले साले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमैया अल-जुमाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, अल-मुअजमुल कबीर तबरानी की रिवायत है, इरशाद फरमाया मिन अशरात अस्साअ अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इल्म को तलाश किया जाएगा, इल्म को ढूंढा जाएगा, इल्म सीखा जाएगा किनके पास से, इंदल असागिर, सगीर की जमा असागिर, छोटों के पास इल्म सीखा जाएगा। इंदल असागिर ये उम्र के छोटे मुराद नहीं है। इस्लाम में उम्र की बुनियाद पर किसी को आलिम की सनद या सर्टिफिकेट देने का कोई सिलसिला नहीं है। सही बुखारी में हदीस आती है, अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 या 7 साल के बच्चे हैं, उनका कबीला पूरे का पूरा मुसलमान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बताओ तुम में से कुरान किसको ज्यादा याद है, कुरान को पढ़ने वाला कौन है? तो जब देखा गया तो सबसे ज्यादा कुरान मुझे याद था। 6-7 साल का बच्चा कह रहा है कि सबसे ज्यादा कुरान मुझे याद था। रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़अंत इमामुहुम, आज से तू इनका इमाम है। 7 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़ा है और बड़े बड़े लोगों की क्या करवा रहा है जी, इमामत करवा रहा है। तो असागिर का माना यह नहीं है कि उम्र का छोटा, असागिर का माना यह भी नहीं है कि किसी निचले दर्जे की कौम या कबीले से ताल्लुक रखने वाला। इस्लाम में यह कौमों और कबीलों की वजह से ऊंच नीच का जो फर्क है ये बिल्कुल नहीं पाया जाता। अल्लाह फरमाते हैं जअल्नाकुम शुऊबम व कबाइल लिताअरफू, हमने तुम्हारी कौमें और कबीले किस लिए बनाए हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत के काबिल, इज्जत के लायक तो वही है जो सबसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला, मुत्तकी और परहेजगार है। अल्लाह के यहाँ वही मुअज़्ज़ज़ है। और इस्लाम में किसी किस्म की पापायत या थियोक्रेसी जिसे आप कह लें, जैसे ईसाईयत में, नसरानियत में है, उनका एक पोप का सिस्टम होता है। पोप फैसले जारी करता है, वो जिसको डिक्लेयर कर दे ये कार्डिनल है, ये फादर है, ये बशिप है, वही इंजील पे रिसर्च कर सकता है, तालीमात आगे दे सकता है, उसकी आगे वजाहत कर सकता है, लोगों को तबलीग कर सकता है। यहूदियों में चले जाएं, उनमें भी यही सिस्टम है। उनमें तो तअस्सुब नसारा से भी ज्यादा है। इस्लाम में दूसरे लफ्जों में हम कह दें कि दीन के ऊपर किसी की इजारादारी नहीं है, दीन किसी की जागीर नहीं है। किसी कौम, कबीले, इलाके से ताल्लुक रखने वाला फर्द मेहनत करे और मेहनत के साथ, शौक के साथ दीन का इल्म हासिल करे, तो फिर हबशे के रहने वाला वो बिलाल, फारिस का रहने वाला वो सलमान और रूम का रहने वाला वो सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हुम, ऐसे अफराद हमें सहाबा किराम में दिखाई देते हैं। अरब इलाके में पैदा होने वाले अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के पैगंबर बनाए गए। रसूलुल्लाह अलैकुम काफ़ा का ऐलान अल्लाह ने किया, लोगों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, सारी इंसानियत का रसूल बना के हमने आपको भेजा है। जब ऐलान ये है तो फिर ये इजारादारी वाली बात कहां से आई, ये पापायत और थियोक्रेसी वाली बात कहां से आई कि नहीं जी इस पे हमारी इजारादारी, हम दीन को समझ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो खुरासान के एक इलाके बुखारा में पैदा हुए, जिन्होंने अल-जामिउस सही जैसी अजीमुशान किताब, जिसको असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहा जाता है, अल्लाह उनसे ये काम ना लेता। मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी, अहमद बिन शुएब अन-नसाई, मोहम्मद बिन ईसा अत-तिरमिजी, ये सारे कौन थे? कोई दारे कुतन का रहने वाला, कोई बगदाद का रहने वाला, कोई निशापुर का रहने वाला, कोई अरबी, कोई अजमी, कोई ईरानी, कोई रोमी। इस्लाम में इस तरह की कोई इजारादारी नहीं है कि जी दीन का इल्म सिर्फ अरब सीख सकते हैं, अरबों से ही सीखना होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन इल्म का जो मनहज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने हमें दिया है, रसूलुल्लाह से सहाबा ने सीखा और सहाबा ने आगे फिर अपने शागिर्दों, ताबईन को सिखाया। और ये वो दौर था जिसके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी, खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, बेहतरीन लोग मेरे दौर के लोग हैं, फिर वो जो उनसे मिलेंगे, फिर वो जो उनसे मिलेंगे। यानी सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन, ये तीन अदवार के लोग, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून के लोग कहा, यानी बेहतरीन अदवार के लोग ये लोग हैं। तो फिर असागिर कौन हुए? उम्र में छोटा मुराद नहीं, छोटी कौम, कबीले वाला मुराद नहीं, तो फिर असागिर से मुराद कौन हुआ? जिसने मेहनत नहीं की, जिसने सतही इल्म हासिल किया, जिसने कोई उस्ताद नहीं पकड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा को मुखातिब करके, तस्मऊन, ऐ मेरे सहाबा आज तुम मेरी बातें सुन रहे हो। व युस्मऊ मिनकुम, एक वक्त आएगा तुमसे सुना जाएगा। व युस्मऊ मिम्मन यस्मऊ मिनकुम, और फिर एक वक्त आएगा जो तुमसे सुनेंगे उनसे भी सुना जाएगा। यह है इल्म का मनहज जो अल्लाह के नबी बता रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस है। अगर दुनिया में बगैर मुअल्लिम के, बगैर उस्ताद के कोई इल्म हासिल किया जा सकता होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया को मबऊस ना फरमाते हैं। फिर अंबिया की बेइज्जत का तो कोई फायदा नहीं ना। जिब्रील आता, कोई किताब रख के चला जाता वापस, लो जी ये किताब है, इसको पढ़ लो और इसमें जो चीजें हैं उस पर अमल कर लो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने बेशुमार अंबिया मबऊस फरमाए, किताबें उतारी। अंबिया की जिम्मेदारी लगाई, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि ये मुता होने चाहिए, इनकी इताअत होनी चाहिए, इनकी बात फॉलो की जानी चाहिए, इनकी बात की पैरवी की जानी चाहिए। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उन्हें किताब और हिकमत का मुअल्लिम उस्ताद बना के भेजा। इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद उअल्लिमुकुम, रवाहु अबू दाऊद। बुइस्तो मुअल्लिमन मुयस्सरा, असरे हाजर के फितनों में से एक बड़ा फितना मोहतरम भाइयों यही है कि लोग सही उस्ताद नहीं पकड़ते जहां से इल्म नाफे मिल सके। जाहरी शक्लो सूरत को देख लेते हैं, लफ्फाजी को देख लेते हैं, चर्ब ज़बानी को देख लेते हैं, खूबसूरत आवाज पे लोग मर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई इस बारे में भी फरमाई थी, एक वक्त ऐसा आएगा, फरमाया अखाफु अलैकुम, मुझे डर है, मुझे उस वक्त के आने का डर है। अखाफु अलैकुम के अल्फाज से अपनी बात को शुरू फरमाया। वक्त जब बेवकूफ तुम्हारे हुक्मरान होंगे, तुम्हारी बागडोर सुफहा के हाथ में होगी। बई अल हुक्म, फैसले खरीदे और बेचे जाएंगे। सफ का दम, खून पानी की तरह बहाया जाएगा। कतिअत रहम, कतरहमी आम हो जाएगी। कसरत शुरत, और ये जो शुरते होते हैं ना, कानून नाफज करने वाले जिन्हें हम सिपाही कहते हैं, इदारे कह लें आप, इनकी कसरत हो जाएगी। और इनकी कसरत तब होती है जब लोगों के दिलों से कानून का एहतराम उठ जाता है। तो फिर जबरदस्ती कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए जगह जगह, चौकों चौराहों और गलियों और मोहल्लों में, यहां तक के फिर क्या होता है, फिर शुरते खड़े करने पड़ते हैं, करो भाई ऐसा करो वरना ये देख लो डंडा। कसरत शुरत। और आखिर में फरमाया वा नश्वई यत्तखिदून अल कुरान मजामीर। छठी बात क्या फरमाई कि ऐसी कौम, ऐसे अफराद, उनका मुझे बड़ा डर है कि तुम में कहीं वो ना पैदा हो जाएं जो कुरान को, जो मेरे फरमान को इस अंदाज से लोगों के सामने गा गा के बयान करेंगे जैसे गाने गाए जाते हैं, जैसे बांसुरियां बजाई जाती हैं। ऐसी नस्ल, ऐसे लोग आ जाएंगे। यत्तखिदून अल कुरान मज़ामीर, जो गाजो बाजों की शक्ल में कुरान करीम को पढ़ेंगे। और आप इन आवाजों पे मरेंगे, आपने नवाजों के पीछे चलेंगे। युक़द्दिमू अहदहुम, लोग किसी बंदे को अपनी इमामत और अपने मिंबर व मेहराब पे इसलिए चढ़ा देंगे, हदीस के अंदर अल्फाज हैं लियुग़न्नियहुम, उन्हें गा के सुनाए। आवाज बड़ी अच्छी है जी इसकी, बड़ा बुलार है, बड़ा खतीब है, मजमा लूट लेता है, लोगों को हंसाना और रुलाना इसके बाएं हाथ का खेल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक वफ्द आया और उस वफ्द में एक आदमी था, उसने खड़े होकर तकरीर की, और जब तकरीर की ना तो उसके बयान में, उसकी तकरीर में बड़ी तासीर थी, बड़ी फसाहत और बलागत थी। मजमा हमातन गोश होके सुनने लगा। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने अपनी बात मुकम्मल की ना, फरमाया इन्ना मिनल बयान इला सहरा, बाज बयान ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ऐसी तस्वीर होती जैसे जादू में तस्वीर है। अब जादू कोई अच्छी चीज है? जादू तो धोखा है, जादू तो खिलाफे हकीकत चीज आपको दिखाई जा रही है। यह कोई तारीफ नहीं की अल्लाह के नबी ने उस मुकर्रर की, उस खतीब की कि बड़ा खतीब है भाई, बल्कि अपनी फसाहत, अपनी जबान, अपनी लुगत और अपने तरह तरह के उलूम की मदद लेकर उसने क्या किया, लोगों को अपनी खिताबत का जादू जगाकर मशहूर कर लिया। मिन अशरात अस्साअ अयुल्तमसल इल्म इंदल असागिर। तो मोहतरम भाइयों, एक वजह यह भी है। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी ने कुछ वजूहात बयान फरमाई हैं कि असागिर क्यों आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, जिनके पास इल्म नहीं है। उलमा का उठ जाना, जहालत का आम हो जाना और लोगों का दीन को सीखने की बजाय किस्सों, कहानियों और आवाजों पे मरना, मनगढ़ंत वाकयात के पीछे जाना और सही दीन को, कुरान और सुन्नत के फहम वाले दीन को हासिल करने की कोशिश न करना, फिर नतीजा क्या निकलेगा? असागिर ऊपर आ जाएंगे। सयती अलैकुम सनवातुन खद्दाआत, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अनकरीब कुछ ऐसे साल आएंगे जो धोखा देने वाले साल होंगे। धोखा देने वाले सालों से मतलब यानी उन सालों में कैफियतें, लोगों के नजरियात, सोचें कैसे बदल जाएंगे। युसद्दकु फीहिल कादिब, झूठे आदमी को सच्चा समझा जाएगा। वयुकज़्ज़बु फ़ीहा सादिक़, और सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा। वयुखव्वनु फ़ीहल अमीन वयुअतमनु फ़ीहल ख़ाइन, अमानतदार लोगों को लोग कहेंगे ये ख़ाइन है और ख़ाइनीन को कहेंगे ये अमीन है। म्यार ही बदल जाएगा। वयंतिक़ु फ़ीहिमुर रुवैबिज़ा, और यहां वही असागर के अंदाज पे एक और अल्लाह के नबी लफ्ज बोला रुवैबिज़ा। रुवैबिज़ा किस्म के अफराद उम्मत के मामलात डिस्कस करेंगे। क़ील वमर रुवैबिज़ा, साहबा ने पूछा जी ये रुवैबिज़ा क्या होता है? फरमाया अर्रजुलु ताफ़िहु यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, ये मामूली किस्म के आदमी, और जब इन्हें बोलने का मौका मिलेगा तो आवाम के मसाइल पे, उम्मत के मसाइल पे ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे, ऐसे बात कर रहे होंगे जैसे इनसे बड़ा आलिम ही कोई नहीं, इनसे बड़ा खतीब ही कोई नहीं। ऐसे रुवैबिज़ा किस्म के लोगों से तुमने बचना है। इनकी कुछ सिफात अहले इल्म ने बयान की हैं कि ये कौन लोग हैं जिनसे आपने इल्म हासिल नहीं करना। सबसे पहले ये देखना कि इसका मनहज क्या है, इसका अकीदा क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अपनी किताब सही बुखारी लिखी, वो कहते हैं मैंने 1000 से जायद असातिज़ा से अहादीस सुनी है, 1000 से जायद असातिज़ा से, लेकिन उनमें कोई एक उस्ताद भी ऐसा नहीं था जो ये कहता हो कि ईमान अमल का हिस्सा नहीं है। हर मेरा उसका मनहज अच्छा था जो ईमान और अमल दोनों को लाज़िम मलज़ूम समझता था, जो ये समझता था कि ईमान में कमी बेशी होती है, अमल ईमान का हिस्सा है। मैंने उसी से हदीस ली है, किसी गलत मनहज वाले से हदीस मैंने नहीं ली। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह बहुत बड़े ताबी हैं, इनसे भी पीछे चले जाएं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही मुस्लिम के शुरू में एक मुकदमा इसी उन्वान पर बांधा है कि इल्म किन लोगों से, किन अफराद से और कैसे हासिल करना है। उसमें लिखते हैं इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह का कौल, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये जो इल्म आप हासिल करते हैं ये तुम्हारा दीन है। फंजुरू अम्मन ताखुदूनहु, तो जरा देखो, सोचो, समझो ये दीन किन से ले रहे हैं आप, कौन से अफराद हैं जिनसे आप ये ले रहे हैं। थोड़ा सा उसका मनहज देखें, उसका बैकग्राउंड देखें। मुहद्दिसीन किराम ने अस्माउर रिजाल का अजीम शान फन इसी बुनियाद पे इजाद किया जिसमें 5 लाख के करीब रावियों के हालात जिंदगी महफूज हो जाए। ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसका नस्ब क्या है, इसकी कुनियत क्या है, ये कहाँ रखा रहने वाला है, कब पैदा हुआ, कब फौत हुआ, इसके असातिज़ा कौन है, इसके शागिर्द कौन है, इसने किन किन इलाकों का सफर किया है। उठाएं आप अस्मा और रिजाल की किताबें, सारी आपको एक एक रावी के बारे में मालूम। जब ये सारी तस्दीक हो जाती, भाई ये फलां बिन फलां है, ये इसका नाम है, ये इसकी कुनियत है, ये फलां शहर का रहने वाला है, ये इसके असातिज़ा, ये इसके तलामज़ है, फिर मुहद्दिसीन उनसे इल्म लेते थे। ऐसे नहीं किसी ने सर पे पगड़ी बांध ली, ये टोपी सजा ली और अपनी जो है वो एक मसनद लगा के बैठ गया और हम लोगों ने जो है वो उससे दीन लेना शुरू कर दिया। खासकर ये जो सोशल मीडिया का दौर है मोहतरम भाइयों, बहुत से ऐसे बाजीगर आपको नजर आते हैं जो आपको दीन सिखाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन पहले देखें बंदा कौन है, अकीदा क्या है, मनहज क्या है, असातिज़ा कौन है इसके। अल इस्नाद मिन अद्दीन, अब्दुल्लाह बिन मारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं सनद ये दीन में से है। वलौल इस्नाद लकाल मन शाअ मा शाअ, अगर ये सनद ना होती तो जिसके जी में जो आता वो कहे चले जाता। सम्मू लना रिजालकुम, मुहद्दिसीन पूछते थे बताओ भी ये हदीस बयान कर रहे हो, ये वाकया बयान कर रहे हो, ये रिजाल कौन है, किन से पढ़ा है तुमने, किन से सीखा है तुमने। ये है इल्म हासिल करने का तरीका। इस इल्म के ऊपर आपकी आखिरत की कामयाबी का दारो मदार है। दुनिया के उलूम के लिए देख लें आप कितनी तगदो करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में, अच्छे से अच्छे कॉलेजों में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अपने फनून के अंदर माहिर हो जाएं, अच्छे असातिज़ा से पढ़ें। तो दीन की बारी आती तो फिर क्यों ये कह दिया जाता है जी बस जी जैसे लोग कर रहे हैं वैसे कर लो, जैसे बुजुर्गों से सुनते चले आए हो वैसे कर लो, फलां से ले लो, फलां से ले लो। ना मेरा भाई, पहले तस्दीक कर, इस पे तेरी आखिरत की कामयाबी का दारो मदार है। बंदा कौन है जिससे तो इल्म ले रहा है। अल्लाह अकबर। और फिर ऐसे जो अफराद होते हैं ना जी, उनका काम क्या होता है, कोई ऐसे अफराद की कुछ सिफात अहले इल्म ने बयान की हैं, कुछ उनका तरीक़ेकार, ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले, शोहरत के भूखे, बड़े बड़े किबार उलमा पे तान करने वाले, और बस जी मैं ठीक कह रहा हूं, मेरी बात हरफे आखिर है, मेरी राय यह है। ये ऐसे लोगों का रवैया होता है। ऐसे अफराद से बचें, इनसे दीन सीखने से बचें। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अहले ज़िक्रों अहले इल्मों, उनके इल्मी मैदान में उनकी कोई पहचान हो। मुहद्दिसीन ने यही मनहज अपनाया और इसी मनहज के जरिए हम तक दीन पहुंचा, और यही मनहज अगर हम अपनाएंगे तो भाइयों सिरात मुस्तकीम पे गामजन हो सकेंगे, वरना फिर हर बंदा अपनी तरफ खींचेगा, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, फलां का यूट्यूब पे लेक्चर सुना है वो सुन लो, पढ़ा है वो सुन लो, फलां जनाब साहब बड़ा अच्छा जो है आजकल पढ़ा रहा है उसकी सुन लो। ऐसे तरह तरह के लोगों को सुनने से जहन नौजवानों का खराब होता है। मोटिवेशन स्पीकर आजकल ये भी बड़े निकले हुए, मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों को जनाब साहब वो कामयाबी का रास्ता बताने वाले। पहले तो ये निकले थे ना जी, वो आओ जी हम आपको देते हैं, आपने मुस्तकबिल में क्या बनना है। फिर इन्होंने देखा कि मतलब दीन की बात करने से दुकानदारी ज्यादा चमचती है, तो इन्होंने दीन की तरफ आना शुरू कर दिया। अब मोटिवेशनल स्पीकरों का भी आजकल बड़ा जो है ना वो आप देखते होंगे, वो तरह तरह के आए हुए मार्केट में और वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं दीन की तरफ। अल्लाह अकबर, नाम नहीं लेना चाहता किसी का। बहरहाल ये बात याद रखें कि दीन रासिख फिल इल्म उलमा से हासिल करें, रासिख फिल इल्म उलमा से दीन हासिल करें। और इस्लाम से बढ़कर, कुरान से बढ़कर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के फरमान से बढ़कर मोटिवेट करने वाली कोई चीज दुनिया में है ही नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये जो नबी आए ना जी, यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल खबाइस व यदउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। ये नबी की तालीमात ये हैं, इसने ये काम करना है, अमल बिमारूफ करना है, नहीं अनिल मुनकर करना है, बुराइयों से रोकना है, अच्छाइयों की तरफ लेकर जाना है, हलाल चीज़ों की आदत डालनी है, हराम खबाइस से बचाना है। तो कायनात में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। जैसा कि शुरू में मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हें जन्नत के करीब करने वाली और जहन्नम से दूर करने वाली दुनिया में अगर कोई चीज़ थी तो मैंने बता दी है। इससे बड़ी मोटिवेशन और क्या है। मोटिवेशन लेनी है तो कुरान से लें, मोटिवेशन लेनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से लें। और किसी अगर ऐसे स्पीकर को आप सुनते भी हैं, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसे आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, हाँ इस हद तक सुने कि आपकी तवज्जो उसने दीन की तरफ कर दी, आपको एक तरगीब दे दी, आपको एक रास्ते की तरफ लाके खड़ा कर दिया। भाई ये दीन हमारी कामयाबी का रास्ता है। जहां तक दीनी मसाइल का ताल्लुक है, तो जब तक किसी अच्छे आलम से उसकी रासिख फिल इल्म आलम से उस मसले की तस्दीक ना कर लें, खास तौर पर ये अकीदे के मसाइल, मामलात के मसाइल, इबादात के मसाइल, क्योंकि इस पे हमारी आखरत की कामयाबी सारी इसी पे डिपेंड करती है। सब सारी कामयाबी का इन्हिसारी आपके इल्म नाफे और अमल साले के ऊपर है। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप सिरात मुस्तकीम पे आएंगे, आप अनअमत अलैहिम की फहरिस्त में शामिल हो सकेंगे, वरना आगे फिर ये भी है गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। इल्म गलत ट्रैक से हासिल कर लिया तो ज़ालीन, और इल्म तो आ गया और अमल ना आया तो मग़ज़ूब अलैहिम। तो दीन सीखें लेकिन अहले इल्म से। यह है सिरात मुस्तकीम। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सिरात मुस्तकीम को समझने और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।